नमस्ते दोस्तों, आज हम बाल महाभारत कथा भाग 4 अंबा और भीष्म पर प्रश्न और उत्तर करेंगे। प्रश्न दिए गए हैं, आपको उत्तर बना। प्रश्न: चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर: चित्रांगद बड़े वीर व स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व से युद्ध करते हुए मारे गए। प्रश्न: चित्रांगद के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर: चित्रांगद के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर विचित्र वीर्य बैठे। प्रश्न: विचित्र वीर्य के बालिग होने तक राजकाज किसने संभाला? उत्तर: विचित्र वीर्य के बालिग होने तक राजकाज भीष्म को संभालना पड़ा। प्रश्न: विचित्र वीर्य के विवाह के लिए भीष्म ने क्या किया? उत्तर: विचित्र वीर्य के विवाह के लिए भीष्म काशीराज की तीनों कन्याओं को स्वयंवर मंडप से बलपूर्वक उठा लाए। प्रश्न: अंबा ने भीष्म से क्या कहा? उत्तर: अंबा ने भीष्म से कहा, गांगे, मैंने अपने मन में सौप देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। प्रश्न: अंबा के मन की बात जानकर भीष्म ने क्या किया? उत्तर: भीष्म ने अंबा की इच्छा के अनुसार उचित प्रबंध के साथ अंबा को राजा शाल्व के पास भेज दिया। प्रश्न: विचित्र वीर्य का विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर: विचित्र वीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ हुआ। प्रश्न: शाल्व ने अंबा को अपनी पत्नी स्वीकार क्यों नहीं किया? उत्तर: शाल्व ने अंबा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक ले गए, मैं तुम्हें पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। प्रश्न: भीष्म ने विचित्र वीर्य से क्या कहा? उत्तर: भीष्म ने विचित्र वीर्य से कहा, तुम अंबा से विवाह कर लो। प्रश्न: विचित्र वीर्य ने क्या जवाब दिया? उत्तर: विचित्र वीर्य अंबा के साथ विवाह करने को राजी ना हुए। प्रश्न: दोनों जगह से अस्वीकार करने पर अंबा ने क्या किया? उत्तर: दोनों जगह से निराश होने पर अंबा कई राजाओं के पास गई और कहा, आप भीष्म से युद्ध करें और उसका अंत कर दें, क्योंकि वह भीष्म को दोषी मान रही थी। प्रश्न: अंबा परशुराम के पास क्यों गई? उत्तर: तपस्वी ब्राह्मणों की सलाह पर अंबा परशुराम के पास गई और कहा, आप भीष्म से युद्ध करें और उसका वध करें। प्रश्न: परशुराम ने क्या किया? उत्तर: परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया पर हार जीत का निश्चय ना हो सका, अंत में परशुराम ने हार मान ली। प्रश्न: इसके बाद अंबा ने क्या किया? उत्तर: अंबा ने वन में कठोर तपस्या की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और अपना नाम शिखंडी रखा। प्रश्न: अंबा का क्रोध कैसे शांत हुआ? उत्तर: युद्ध के मैदान में रथ पर शिखंडी को देख भीष्म पितामह समझ गए यही अंबा है। अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह पर हमला किया, भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे, तब जाकर अंबा का क्रोध शांत हुआ।
बाल महाभारत कथा भाग 4 के प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। अगला भाग है विदुर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करेगा। धन्यवाद। बाय बाय।